मुनमुन दत्ता आज इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री के एक जानी मानी एक्टर्स हैं, लेकिन इन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स में काम किया है। तो चलिए जानते हैं मुनमुन दत्ता अब तक किन किन टीवी शोज और मूवीज में नजर आई हैं। मुनमुन दत्ता ने अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत 2004 में की थी। सबसे पहले जी टीवी के सीरियल हम सब बाराती में मीठी का रोल करती नजर आई थी, जिसमें कि इन्होंने एक सपोर्टिंग रोल किया। इसके बाद ये सब टीवी के पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बबीता अय्यर की भूमिका निभाती नजर आती हैं। इस रोल से इनको काफी पॉपुलैरिटी हासिल हुई। यह इनका सबसे पॉपुलर सीरियल है। इसके अलावा मुनमुन दत्ता सीआईडी में भी एपिसोडिक रोल करती नजर आ चुकी हैं। मुनमुन दत्ता की मूवीज हैं मुंबई एक्सप्रेस, जिसमें कि इन्होंने एक कैमियो रोल किया, हॉलीडे, इसमें शूली की भूमिका निभाती नजर आई थी, दिनचर्या इंटरप्राइज, यह एक मराठी मूवी थी, द लिटिल गोडेस, यह एक शॉर्ट फिल्म थी। इसके अलावा ये मुन गांधी नुहेन में भी नजर आ चुकी हैं, जो कि एक ओडिया मूवी थी। तो ये है मुनमुन दत्ता के अब तक के सभी टीवी शोज और मूवीज की लिस्ट। आपने इनको किस किस शो या मूवी में देखा है हमें बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।